हे एवरीवन, वेलकम टू माय क्लावर बुक्स। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है जलवायु परिवर्तन। अगर नहीं रोका गया, अगर क्लाइमेट चेंज जो है वो नहीं रोका गया, तो हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड जो है वो विलुप्त हो सकता है, एक्सटिंक्ट हो सकता है। क्या है ये पूरी चीजें? तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो सकती है। किसकी वजह से? अगर पेरिस पैक्ट गोल को नहीं हम मीट कर पाए या उसकी शर्तों को हम पूरा नहीं कर पाए, तो बहुत सारी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो सकती है। सबसे पहले बहुत सारे एनिमल जो है, अब एंडेमिक स्पीशीज की हम यहाँ पर क्यों बात कर रहे हैं, देखो वो भी आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कि ये कहा जा रहा है एनिमल्स और प्लांट्स की बहुत सारी यूनिक और मोस्ट सीनिक नेचुरल फेसेस जो है वहां पर एक्सटिंक्शन हो सकता है। किसकी वजह से? ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह से। ठीक है, अगर इसी तरीके से इसी स्पीड से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती रही तो उनका एक्सटिंक्शन हो जाएगा। अब ये कहाँ पर रिपोर्ट पब्लिश हुई है? ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है द जर्नल बायोलॉजिकल कंजर्वेशन ने इसको पब्लिश किया है। ठीक है, द जर्नल बायोलॉजिकल कंजर्वेशन। क्लाइमेट चेंज जो है वो हमेशा से क्या है? क्लाइमेट चेंज मतलब टेम्परेचर का राइज होना, मौसम का बदलना। ठीक है, जलवायु परिवर्तन जिसको हिंदी में कहते हैं, और उसका मतलब वही है जो आप कह रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज विल नेगेटिवली अफेक्ट मोस्ट नेटिव एंड एंडेमिक स्पीशीज। अब यहाँ पर नेटिव और एंडेमिक स्पीशीज, नेटिव मतलब किसी एक जगह पर पाए जाने वाली स्पीशीज, एंडेमिक मतलब वो सिर्फ उसी जगह पर पाई जाएगी, किसी और जगह पर नहीं पाई जाएगी। ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज ऐसे स्पीशीज होती है जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेसेस प्लेस पर ही पाई जाती है, उसके अलावा वो स्पीशीज कहीं और नहीं पाई जाएगी। ठीक है, और वेरी स्पेसिफिक प्लेसेस अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी या जो भी एंडेमिक स्पीशीज है ये अनलेस से शो करता है कि एंडेमिक स्पीशीज फ्रॉम आइलैंड्स एंड मोर देन 4 out of 5 एंडेमिक स्पीशीज फ्रॉम माउंटेन। मतलब अब यहाँ पर आइलैंड्स की अगर हम लोग बात करें तो सारी की सारी एंडेमिक स्पीशीज, और अगर हम लोग माउंटेन्स की बात कर रहे हैं तो हर 5 में से 4 एंडेमिक स्पीशीज। ठीक है, अगर 10 पाई जाती है तो 10 में से 8, मतलब ये एक कैलकुलेशन बता रहे कि इस हाई अमाउंट में ये जो है रिस्क पर है एक्सटिंक्शन के, विलुप्त होने की कगार पर है। अब देखो कि पेरिस एग्रीमेंट जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है तो उसकी क्यों बात की जा रही है? देखो पेरिस एग्रीमेंट क्या है बेसिकली, ये पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू ये डिसाइड किया गया था कि हम जो टेम्परेचर चेंज है, जो राइज है, उसको 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखेंगे। आइडियली 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर इंक्रीज जो है उसको रखेंगे, और इसको ये माना गया था, ये बेसलाइन थी पेरिस एग्रीमेंट की, कि हमको टेम्परेचर जो है ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली उसको रोकना है और 2 डिग्री से कम ही रखना है। टेम्परेचर तो बढ़ेगा, उसको हम लोग नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन कम से कम उसको लिमिट कर सके ताकि जो स्पीशीज है रहने वाली अर्थ पे उनको नुकसान ना हो, एज वेल एज ह्यूमन जो है उनको भी नुकसान ना हो। ठीक है, देखो एक ग्लोबल टीम थी साइंटिस्ट की, उन्होंने लगभग 300 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पर क्या किया, स्टडी की। ठीक है, उनको एनालाइज किया। अब बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? बेसिकली ऐसी जगह जहां पर स्पीशीज जो है बहुत रिच हो, और जहां की स्पीशीज जो है 50% तक स्पीशीज जो है वो एंडेंजर्ड हो या खतरे में हो या कुछ जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो उनको हमको सेव करना है। ठीक है, या तो उनको खतरे में भी होना जरूरी है, मतलब बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट अगर बनना है तो, और साथ ही वहां पर रिच फ्लोरा और फौना होनी चाहिए। ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज ज्यादा होनी चाहिए वहां पर, तभी उसको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लेसेस विद एक्सेप्शनली हाई नंबर्स ऑफ एनिमल, जैसे मैंने अभी कहा एनिमल्स और प्लांट। ठीक है, एक्सेप्शनली हाई नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, और ऑन लैंड एट एंड एट सी, मतलब सी पे भी हो सकता है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, और लैंड पर भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हॉटस्पॉट क्या करते हैं, यहाँ पर एंडेमिक स्पीशीज होती है, उस जगह की स्पेशल स्पीशीज जो सिर्फ उसी जगह पर पाई जाती है। ठीक है, यूनिक टू वन जियोग्राफिक लोकेशन। अब यहाँ पर इन्होंने क्या पाया, जब ये साइंटिस्ट की टीम ने एनालाइज किया 300 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को, तो इन्होंने पाया कि लगभग 3 डिग्री सेल्सियस है हमारा जो टेम्परेचर राइज जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस है, और मतलब ये होने की संभावना है अगर हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जिसके अकॉर्डिंग हमको कितना रखना है, सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस रखना है, लेकिन अगर ये हम इसमें सफल नहीं हो पाते, अगर 3 डिग्री तक बढ़ गया तो क्या होगा,
1/3 ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, मतलब एक तिहाई जो लैंड पे रहने वाली स्पीशीज है और लगभग आधी एंडेमिक स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट ही हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि एंडेंजर्ड रहेगी या होने का खतरा रहेगा, कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाएगी अगर 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, माउंटेन्स की बात करें तो लगभग 84% तक एंडेमिक एनिमल्स और प्लांट्स फेस कर सकते हैं एक्सटिंक्शन। ठीक है, फेस कर सकते हैं। और आइलैंड्स की अगर हम लोग बात करें तो ये 100% तक नंबर हो सकता है, जो मतलब आप सोच सकते हैं कि 3 डिग्री के ही बढ़ने से कितनी ज्यादा संभावना है जो बहुत सारी स्पीशीज है उनके खत्म होने की। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो 92% लैंड बेस्ड एंडेमिक स्पीशीज और 95% मरीन एंडेमिक स्पीशीज जो है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़ सकते हैं अगर हमने 3 डिग्री से कम नहीं कोशिश करी लाने की या हम सफल नहीं हो पाए तो। ठीक है, और अभी अगर पॉलिसीज देखें, हम करंट पॉलिसीज वर्क नहीं कर रही उतना इफेक्टिवली, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो रुक नहीं रही है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ अलग अलग एंडेमिक स्पीशीज पाई जाती है, स्पेशल स्पीशीज पाई जाती है, जैसे लेमर्स या लंगूर जिनको कहा जाता है। मेडागास्कर जो है वहाँ यूनिक क्लाइमेट है, वहाँ यूनिक स्पीशीज पाई जाती है। अब यहाँ पर स्नो लेपर्ड की बात क्यों कर रहे हैं? स्नो लेपर्ड की बात हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हिमालयाज में स्नो लेपर्ड बहुत ही यूनिक एनिमल है। ठीक है, एक तो एंडेमिक है पहली चीज, हिमालयाज हमारे इंडिया में, वहां पर स्नो लेपर्ड बहुत ही यूनिक स्पीशीज है और उसके एक्सटिंक्ट होने की मतलब ऐसा है कि अगर कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है तो उसमें स्नो लेपर्ड उन पहली स्पीशीज में से हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर स्नो लेपर्ड की इंपॉर्टेंटली बात की जा रही है, रिमेम्बर दिस पॉइंट। अब यहाँ पर सिर्फ एनिमल्स एक्सटिंक्ट नहीं होंगे, प्लांट्स भी हो सकते हैं जिसमें से एक लाइकेन लोबोरिया लुबेरिया सॉरी लेकिन लुबेरिया जो है ये आप देख सकते हैं, ये एक मेडिसिनल प्लांट है। ठीक है, ये मतलब बेसिकली ये एक लाइकेन है। ठीक है, और ये क्या करता है, अर्थराइटिस को एलिवेट करने में और साथ ही लंग डिसीज में भी ये काम आता है। तो इस तरीके के मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो भी उनके भी एक्सटिंक्ट होने की संभावना है। अब देखो यहाँ पर अगर ग्रीन हाउस गैस एमिशन इसी तरीके से होता रहा तो कौन कौन से, जैसे इस सिर्फ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कैरेबियन आइलैंड्स, मेडागास्कर और श्रीलंका जो है ये आइलैंड कंट्रीज है या जो आइलैंड्स हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है तो इनके एक्सटिंक्ट होने की मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा प्लांट्स जो है उनके भी एक्सटिंक्ट होने की संभावना है लगभग 2050 तक। ट्रॉपिक जो है बहुत वल्नरेबल है इसके लिए और लगभग 60% ट्रॉपिकल एंडेमिक स्पीशीज। ट्रॉपिक्स क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में जो ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ना आप, इक्वेटर वाला, तो ये वाले एरियाज में क्या होगा, बहुत सारी स्पीशीज जो है उसका एक्सटिंक्शन हो सकता है। नाउ अगर देखो अब ये यहाँ पर ऐसा है कि 3 डिग्री सेल्सियस तक रहा टेम्परेचर तो, लेकिन अगर हमने कोशिश करी कि हम 3 डिग्री से कम रखें या 2 से कम रखें, ठीक है 2 या 1.5 तक हमने लिमिट कर दिया, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को हमने कम कर दिया और टेम्परेचर राइज जो हमने 2 या 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट कर दिया, तो क्या होगा, तो केवल 2% एंडेमिक स्पीशीज दो लैंड की, ठीक है, और 2% मरीन स्पीशीज का एक्सटिंक्शन होगा। 2% या 2% जो है वो भी काफी ज्यादा नंबर है, बट फिर भी 84% और 100% से तो कम ही है। तो अगर हमने पेरिस अग्रीमेंट पर वर्क किया, एमिशन को रोका, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो क्या करती है, टेम्परेचर राइज करती है, अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाती है। ठीक है, तो अगर हमने इनको लिमिट कर दिया तो ये जो है एक्सटेंशन इसको भी हम लिमिट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।